देखिए ये देखिए 400 रुपए का एक हलवा है, देखिए लंबी चौड़ी बड़ी है 200 रुपए की, देखिए केजी 800 रुपए केजी। संगीता मौसी 300 रुपए की एक है। अंडरग्राउंड के नीचे एक और अंडरग्राउंड मार्केट, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के मेरा जो ब्लॉग है वो है कल्याण का ही एक और फिश मार्केट। जैसे आपने छाया टॉकीज का एक फिश मार्केट मैंने अभी आपको दिखाया है इसके पहले ही एक ब्लॉग में, तो वैसा ही एक और फिश मार्केट है कल्याण का, एक फेमस इसलिए क्योंकि ये मार्केट जो है ये अंडरग्राउंड है, यानी बेसमेंट में ये मार्केट है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैसा है ये मार्केट, क्या वहाँ के रेट हैं, क्या क्या वैरायटी की फ़िश है वहाँ पर, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो कोई भी मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ढेर सारे लाइक करें, कमेंट करें। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कल्याण का अंडरग्राउंड फिश मार्केट अंसार चौक का। चलो भाई अंदर चलते हैं, अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड फिश मार्केट में देखते हैं। ये देखिए अंडरग्राउंड फिश मार्केट है, ये ऐसा कुछ दिखता है भाई। देखिए कैसे अंडरग्राउंड में इस मच्छी मार्केट को बनाया है। यहाँ से अभी हम लोग अंदर उतरे थे और ये इस तरफ पूरा ये मच्छी मार्केट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा। और इसके उधर नीचे की तरफ में भी है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी आपको दिखा सकूँ। देखिए क्या मौसी, तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। संगीता मौसी कैसे दिले मौसी है कोलंबी? 400 रुपए किलो बगा ये ए नको नको, ये भाव आए थे सांगा, तुम भी बार्गेनिंग सेटे करना रहता है। 400 बोलते हैं लेकिन 300 में दे देते हैं ना। हाँ ये देखिए, हाँ 400 बोलते 300 में दे देते, ताजी कोलंबी। अरे ये कौन सी है? एक किलो मच्छी छोटी वाली, ये कैसा किलो से नट से कैसा नट? एक कितने के? ये एक किलो का है। 300 रुपए की एक है। अच्छा अच्छा, देखिए 300 रुपए में एक है। दापोली है अंडा, वो वाली पोपट फिश है क्या? वो अक्की या काट के देते? 300 रुपए किलो, किलो के हिसाब से देते हैं सब। देखिए काट के किलो के हिसाब से देते हैं। देखिए यहाँ पे चप्पल फिश है, देखिए आप चप्पल फिश बड़ी वाली है। कैसा मौसी है चप्पल फिश? 300 की एक है, 300 की एक है, काफी बड़ी वाली है, बड़ी वाली। और ये एक कौन सी है? एकड़ू लाल मच्छी, लाल मच्छी। ये वाटा में देते, कैसा वाटा? 50 का वाटा, 50 रुपए का वाटा है ये लाल मच्छी। एक टोल है, ये 50 का वाटा तीनो भाई, देखिए 50 रुपए की तीनो है, ये टोल मच्छी 50 रुपए की वाटा है। बाकी यहाँ पर चाइनीज पापलेट भी है। अच्छा रेट है यहाँ पर भी ऐसे, ताजी है ना, क्लास वापस भेजिए। इसको शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, अंधेरा है। कैसे है ये? 100 का पहले 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो में कैसे किलो है? यहाँ पर भी कोलंबी है, झींगा है। कैसे किलो है ताई? कोलंबी 120 रुपए के पाव किलो है यहाँ पर, ये मोटे मोटे झींगे। क्या है वो सकुआ? वो फले पे का वो क्या है? इनके पास में भी बहुत सारी फिश है। इधर आगे
ये एकड़ू फिश है ना? एकड़ू फिश है। कैसा किलो ये? लग रहा था जोड़ी 100 रुपए 200 रुपए का है। जोड़ी का 100 रुपए 200 रुपए ऐसा है, जैसा छोटा वाला है तो 100 रुपया होगा, थोड़ा बड़ा है तो 200 रुपए का है। ये एकड़ू फिश है। ये हलवा कैसे है? 400 रुपए का एक हलवा है। देखिए ये देखिए 400 रुपए का एक हलवा है, थोड़ा बड़ा है। और ये वाम है, पीली वाम, काली वाम, ये काली वाम और ये देखिए पीली वाम। ये क्या किलो के भाव से? 200-300। ये कैसा है? ये बड़ी वाली पूरा 200 रुपए। ये देखिए 200 रुपए की ये काली वाली वाम है, देखिए लंबी चौड़ी बड़ी है, 200 रुपए की। और झींगे? झींगा 400 रुपए के जी। 400 रुपए की केजी है ये झींगे यहाँ पर। अच्छा भाव है यहाँ पर, देखिए कैसे है। पीली वाम 800 रुपए की, पीली वाम 800 रुपए की केजी, केजी 800 रुपए केजी। पीली वाम महंगी होती है ना काली वाम से। अच्छा ये अंडरग्राउंड में क्यों है, मतलब ये मच्छी मार्केट ऐसा? पहले ओपन था ऐसा। अच्छा इसको अंडरग्राउंड बनाया? पहले ओपन ही था लेकिन फिर जगह की इशू हुआ होगा इसके लिए अंदर कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ, चिकन मटन सारा मार्केट इधर पे है इसके साथ। लोग भी देख लीजिए और आगे भी पूछते हैं। ये भाव के पास में भी कोलंबी है अच्छे मोटे वाले। कैसे थे भाव ये कोलंबी? 100 रुपए पाव। 100 रुपए पाव है ना, 400 रुपए किलो में है ना आपके पास। हाँ, और ये रानी मच्छी कैसा वाटा? 100 रुपए वाटा क्या है? ये रानी मच्छी है देखिए भाई सबके पास। ये कौन सी है? वो टोल मच्छी है। अच्छा ये छोटी टोल है, इसकी नोक ऐसी बड़ी वाली होती है ना एक चोच। ये कैसा किलो टोल? 400 रुपए किलो में टोल मच्छी है। ये देखिए पूरा अंडरग्राउंड का ये फिश मार्केट का माहौल ऐसा है, मोमबत्ती लगा के। हाँ टूना कुप्पा, कुप्पा मच्छी है, एकड़ू। हाँ टोल मच्छी है। ये सब देखिए कैसा दे रहा है कुप्पा? 400 रुपए किलो दे रहे हैं। देखिए कुप्पा मच्छी का यहाँ पे रेट है 400 रुपया, और एकड़ू मच्छी जो है नक के ऊपर है ना, तो यानी ये दो का 150 रुपए बोलेंगे, 100 रुपए में भी दे देंगे, थोड़ा बार्गेनिंग करने का। 19-20 होता है। हाँ नहीं सही है, अच्छा है भाव। और वहाँ पे काट के पीसेस में भी देते हैं, बड़ी वाली फिश है जिसको काट के टुकड़ों में पीसेस करके देते हैं। देखिए ना वो तो छोटा है, ना 500 का है। बार्गेनिंग होती है, किस तरह से बार्गेनिंग करना पड़ता है। एकड़ू फिश, बड़ी वाली एकड़ू फिश है। और ये पोपट फिश, पोपट है कैसा देना? पोपट फिश 200 रुपए की है। देखिए ये पोपट फिश पूरी, और एकड़ू फिश 400, ये बोलते रहे 500 लेकिन 400-350 में दे देंगे, बार्गेनिंग का ये हिसाब किताब होता है। यहाँ पर भी चाय पीता नहीं मैं, थैंक यू। हलवा मच्छी भी है यहाँ पे। कैसे है हलवा मच्छी ताई? कैसा? अच्छा है, 100 रुपए की एक है, काफी बड़ी है, 100 रुपए में हलवा मच्छी है। ये 100 बोले हैं तो और भी कम कर देंगे। एकड़ू मच्छी, डोमा मच्छी, डोमा मच्छी भी है, है। हाँ ये वाली कौन सी है? ये बोम्बल है, चोर बोम्बल बोलते। कैसा ये? 50 का तीन है, 50 रुपए की तीन है चोर बोम्बल। ये वीडियो काट दो पर भी मच्छी है, बांगड़ा है। और ये बड़ी वाली टोल है का? कैसे दिया मासी टोल? 100 रुपए की एक। देखिए बड़ी वाली मच्छी है टोल, 100 रुपए की एक है। ये वाली कौन सी है? काटेरी। काटेरी ये कैसा? सौ की जोड़ी, 100 रुपए की दो मिलेगी। देखिए आपको यहाँ पर ये काटेरी, अंडरग्राउंड फिश मार्केट कल्याण का।
सिपा है, पापलेट है, रानी है, दुपट फिश, ये काट के पीसेस में देते हैं जितना चाहिए आपको। ये चाइनीज पापड़ है, कौन से पापड़ है ये? चांद पापड़। ठीक है, चांद पापड़। ये कैसा देते हैं? 300 रुपए की एक है जोड़ी का। ले बाबू, बड़ी वाली है चांद पापड़। जोड़ी का 300 रुपए बोल रहे हैं, बार्गेनिंग करेंगे तो और भी थोड़ा 19-20 हो जाएगा। और बाकी ये बड़ी वाली पोपट फिश सुरमई, उसको काट के ये देखिए, ये बड़ी वाली फिश। अरे ये कौन सी है? एकरो, एकरो फिश है दीदी, कितनी बड़ी है। और ये कौन सी है? तामोसा, तामोसा मच्छी है देखिए, बड़ी वाली। कैसे किलो ये ताई? 800 रुपया। ये देखिए बेसमेंट में एक और बेसमेंट है, अब नीचे और नीचे जाते हैं। ये सारी फिश है यहाँ पर भी, अंडरग्राउंड में एक और अंडरग्राउंड, सब तरह की फिश, केकड़ा है, झींगा है। कैसे झींगे का वाटा आता ही? 100 रुपया, 100 रुपये के वाटा। ये जो है झींगे हैं अलग अलग तरह के। बांगड़ा, बांगड़ा भी 100 रुपये। ये सुरमई कैसा, किलो से क्या? की एक ही है पीस, कितने की? 1000 की। 1000 रुपये की एक सुरमई बन रही है। हलवा का पूछते हैं, हलवा दो का, एक का दो का, दो का 600 रुपये में दो दे मेरे का हलवा। अच्छी फिश है यहाँ पर भी, अंडरग्राउंड है लेकिन फिश बहुत सारी है। ये अभी अंडरग्राउंड में, मैं वहाँ पहले ऊपर आया था, वहाँ से फिर वापस नीचे आया हूँ, एक और फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड फिश मार्केट। और यहाँ देखिए इस तरफ है मटन का मार्केट, चिकन का मार्केट। दोस्तों इस मार्केट का भी भाव काफ़ी अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ बात करते हैं, रेट में कोई टेंशन नहीं है। बार्गेनिंग आप करनी है, बार्गेनिंग आप करते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा, पैसा कम हो जाता है। अच्छा मार्केट है ये भी, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी फिश है। ये पोपट फिश है क्या ये? अरे ही फलाए एक सगड़े का किलो वरच किलो 80 पन विको सकते का। ये मोटी फलाई कितनी? 700 देना, यानी कि 700 रुपये की। देखिए ये फलाई फिश है बड़ी वाली, 600 में दे देंगे बोल रहे हैं। और ये पोपट फिश को तो काट के टुकड़ों में दे रहे हैं, पीसेस करके, है ना? हाँ ये देखिए काफ़ी अच्छा। ये ताई बांगड़ा कैसा? 100 रुपये वाटा बांगड़ा है। रानी मच्छी, ये छोटा वाटा है, 50 रुपये का, छोटी रानी है। डोमा है, ये भी 50, 100 रुपया, देखिए 100 रुपये का डोमा है। अच्छा ये मार्केट का जो टाइमिंग है, रोज़ सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होता है, और छुट्टी कभी नहीं होती, यानी कि एवरी डे ये मार्केट मिलेगा आपको। कल्याण स्टेशन से वेस्ट में आने के बाद में आपको अंसारी चौक, ये है इसका जो एड्रेस, अंसारी चौक अंडरग्राउंड फिश मार्केट। अब कोई किसी को भी आप पूछेंगे तो आपको ये मार्केट बता देगा, अंसारी चौक फिश मार्केट कल्याण वेस्ट में। अभी चलते हैं ऊपर, फिर से आइए। आगे हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाले अंडरग्राउंड मार्केट में। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा है, अच्छा मार्केट लगा नहीं अच्छा मार्केट लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ देखिए मुंबई से बाहर निकल के जगह जगह की फिश मार्केट दिखाने की। तो बहुत सारे लाइक्स कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे बाहर के दूसरे जगह के मार्केट्स आपको दिखा सकूँ। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक और फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।